शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज का जो एनर्जी अपडेट मैं लेकर आई हूँ, न्यू मून का क्या इफ़ेक्ट रहने वाला है हमारी ट्विन एनर्जीज पर, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फेमिनाइन एनर्जी पर, देखिए कलेक्टिव में जो हैवीनेस एक है, हैवी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ कलेक्टिव लेवल पर। तो हो सकता है बहुत सी फेमिनाइन जो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो अब तक, वो भी ये सब हैवी एनर्जीज को फील कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा हैवी फील हो सकता है आपकी बॉडी में, हैवीनेस आप लोगों को फील हो सकती है, या पेन्स हो सकते हैं बॉडी में, जॉइंट पेन्स हो सकते हैं आप लोगों को। और इसके साथ ही हो सकता है आपको नेक के अराउंड स्टिफनेस फील हो सकती है, या अपने शोल्डर्स एरिया में पेन हो सकता है, स्टिफनेस हो सकती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स मैं देख रही हूँ कुछ फेमिनाइंस हो सकता है फील कर रही हो, या हो सकता है बहुत सी फेमिनाइंस को पूरी बॉडी में पेन हो रहा हो, एनर्जी बहुत ज़रा लो फील हो रही हो, लो वाइब्रेशन में जा रही हूँ, नेगेटिव थॉट्स, ओवरथिंकिंग, ये सब कुछ अफेक्ट कर रही हूँ बहुत सी फेमिनाइंस को। क्योंकि ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ कि बहुत सी फेमिनाइंस इस वक्त बहुत ज़रा लो वाइब्रेशंस में हैं, बहुत ज़रा पर्जिंग हो रही है, रोना आ रहा होगा बिना वजह, रात को नींद ना आ रही होगी, बहुत अच्छे से नहीं सो पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। नींद में आप गंदे ड्रीम्स दे सकते हैं, गंदे इन द सेंस नेगेटिव ड्रीम्स आ सकते हैं, आपको गंदे पानी दिखाई दे सकता है, फ्लड दिखाई दे सकता है, कीचड़, इस तरह की गंदगी आपको आपके ड्रीम्स में अफेक्ट कर सकती है, या आपको आपके डीएम से रिलेटेड कुछ नेगेटिव दिखाई दे सकता है आपके ड्रीम्स में, या आपको खुद की लाइफ से रिलेटेड कुछ नेगेटिव ऐसा दिखाई दे ड्रीम में जिससे आप बहुत ज़रा अफेक्ट हो जाएं और आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़रा लो हो जाए। तो अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है आप लोगों के साथ भी, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, इसे बहुत ज़रा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। नेगेटिविटी आपको अगर अफेक्ट कर रही है तो ठीक है, नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है आपको, अपनी एनर्जी को लो वाइब्रेशन में नहीं जाने देना है, खुद को पॉजिटिव रखना है, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है इस टाइम पर, बिकॉज न्यू मून मैनिफेस्टेशन का टाइम होता है। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो मैनिफेस्ट होने लगता है आपकी रियल लाइफ में। अगर आप लोग नेगेटिव थॉट्स रखेंगे, नेगेटिव ओवर थिंकिंग करेंगे, नेगेटिव सोचेंगे कुछ भी, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लग जाएंगी। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, कुछ भी नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं करना है, ना ही खुद से रिलेटेड, ना ही अपने डीएम से रिलेटेड कुछ भी नेगेटिव मैनिफेस्ट करना है। बिकॉज़ जो डीएम है, ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, उनकी लाइफ में बहुत से टावर मोमेंट्स चल रहे हैं, अभी हैवी कर्मा रिलीजिंग उनका हो रहा है, तो वो ऑलरेडी बहुत ज़रा पेन में हैं। तो आप कुछ भी ऐसा नेगेटिव वाइब्रेशंस उनको सेंड ना करें, बेशक आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, कुछ भी आप उनसे रिलेटेड नहीं चाहते हैं कि मैं उनके बारे में कुछ सोचूं, डिटैच रहना चाहते हैं, रहिए बेशक, लेकिन आप नेगेटिव नहीं सोचें, ठीक है। अपनी जर्नी पर कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है इस टाइम पर। न्यू मून का टाइम मैनिफेस्टेशन का टाइम होता है, जैसे जैसे मून साइकिल बढ़ता है वैसे वैसे आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। तो बजाय कि कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट हो, आप कुछ भी नेगेटिव ना सोचें, ठीक है, पॉजिटिव वाइब्स सेंड कीजिए अपने पर्सन को। जो भी हुआ आप उसे लेट गो करें, कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, हो सकता है बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही हो, बिना वजह रोना आ रहा हो, बेशक आप पास्ट में बहुत ज़्यादा बैलेंस थे, लेकिन अचानक से आपको बहुत ज़्यादा पर्जिंग होने लगी। एक्चुअली में जो हमारा सेक्रल चक्र है, इस पर ये न्यू मून अफेक्ट डाल रहा है, हमारे इमोशंस अफेक्ट होंगे, जो भी सप्रेस्ड होगा सरफेस पर आएगा। तो अगर पर्जिंग हो रही है, पेन हो रही है, उसको रिलीज़ कीजिए और हीलिंग कीजिए अपनी, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंडिंग कीजिए, ठीक है। और अपने ऑरा को ज़रूर प्रोटेक्ट करके रखें, अपने घर के ऑरा को क्लींजिंग कीजिए, अपने पर्सन को आपको बिल्कुल हीलिंग देनी है, और कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है आपको। नेगेटिविटी आपको अफेक्ट कर सकती है, हैवी एनर्जीज आपको परेशान कर सकती हैं, आपकी बॉडी में बहुत से पेन्स हो सकते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से परेशान नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारनी है, पेशेंस रखना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है या हैवी एनर्जी फील हो रही है,
तो आप माँ काली की प्रोटेक्शन लीजिए, उनसे प्रे कीजिए कि नेगेटिव एनर्जी से आपकी रक्षा करें। महाकाल से प्रे कीजिए आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करें, आपको डेफिनेटली वो प्रोटेक्ट करेंगे। बिकॉज़ आप लोग अगर ट्रस्ट करते हैं उन पर तो वो आपके ट्रस्ट को बिल्कुल भी टूटने नहीं देंगे, आपको पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी। महाकाली से प्रे कीजिए, महाकाल से प्रे कीजिए। जो लोग डिफरेंट रिलीजन्स के हैं वो अपने इष्ट से प्रे कर सकते, उनसे प्रे कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। जिस भी तरह की आप लोग चाहते हैं प्रोटेक्शन आप लोग लीजिए, लेकिन खुद को बिल्कुल प्रोटेक्ट रखिए। रात को सोने से पहले प्रोटेक्शन लेकर सोएं, बिकॉज ड्रीम्स में नेगेटिविटी या नेगेटिव एंटिटीज़ आपको परेशान कर सकती हैं। ड्रीम्स के थ्रू आपको, आपके ड्रीम्स में आपको सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए कुछ दिखाई दे सकता है इस तरह की, आपकी एनर्जी ड्रेन करने के लिए। तो आपको इन सब चीज़ों से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सोने से पहले ज़रूर प्रोटेक्शन लेनी है। अगर सोने में कुछ दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत से लोगों को हो सकता है स्लीपलेसनेस फील हो या एंग्जाइटी फील हो, रात को नींद ना आ रही हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप लोग डेफिनेटली अपने आप को प्रोटेक्ट करें, एंजल्स की प्रोटेक्शन लें और फिर सोएं। और साथ ही अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में, क्योंकि इस टाइम पर सेक्रल चक्र की हीलिंग चल रही है, जो भी सरफेस पर आएगा तो वो चीज़ हील होगी। तो अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा किसी टाइम पर सेक्सुअल थॉट्स थे, या आप बहुत ज़्यादा लस्ट में थे किसी टाइम पर, अगर नहीं भी थे तो जब सेक्रल चक्र की हीलिंग होती है तो इस तरह के सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। क्योंकि मुझे पर्सनली भी बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि मैम बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, या एनर्जी ऐसी बहुत ज़्यादा सेक्सुअली हाई है, या कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इस तरह की आपके माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो आपको अपनी इस एनर्जी को सेक्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है? आपको अपनी क्रिएटिव साइड पर काम करना है, अपने आप को क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व कीजिए। अगर आपको सिंगिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, जो भी चीज़ें आपकी हॉबी हैं, आपको आपकी सोल को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है जो करके, आप वो काम कीजिए। उस क्रिएटिव साइड पर अपनी इस एनर्जी को इन्वॉल्व कीजिए। जब भी कुछ इस तरह के थॉट्स आने लगे तो अपनी एनर्जी को क्रिएटिव साइड में लगाइए, तो आपकी जो वाइब्रेशन है बहुत ही जल्द हाई वाइब्रेशन में जाने लगेगी। तो आप लोग इस तरह की प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाएंगे, अगर बहुत लोगों को इस तरह की दिक्कत हो रही है तो। इसके साथ ही कुछ लोगों को हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फेमिनाइन्स को, और क्योंकि सेक्रल की एनर्जी है, हीलिंग हो रही है, तो आप लोगों को ये चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं। इसके साथ ही हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं बहुत से लोगों को। अगर आप लोगों को किसी तरह के हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट्स लीजिए। और कुछ लोगों को हैवी पर्जिंग के साथ साथ मिसिंग एनर्जी फील हो सकती है अपने पार्टनर की, क्योंकि उनकी लाइफ में जो भी थंडरस्टॉर्म चल रहे हैं इस टाइम पर, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अपनी सोल के साथ जब वो कनेक्ट करते हैं तो अपनी काउंटर सोल को भी मिस करने लगते हैं। और न्यू मून पर हार्ट चक्र भी ओपन होता है, तो आप उनकी मिसिंग एनर्जी भी रिसीव कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की एनर्जीज फील होती हैं, आप लोगों को पता है आपको अपने पर्सन को हीलिंग देनी है, उसके बाद लेट गो कीजिए, अपने काम में अपना ध्यान लगाना है। तो इस तरह से आप लोगों को न्यू मून पर अपना पूरा पूरा ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों से एनर्जी रेजोनेट करेगी, और कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।